घर बैठे तुम लुक कर देखो। महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है, गलती होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले जीवन त्यागा था। यमदूत उसे इस लोक के लिए रवाना हुए पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। और दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। अरे तू तो कहाँ था इतने दिन, और भोलाराम का जीव कहाँ है? दया निदान क्या बताऊँ, इतना बड़ा धोखा मैंने कभी नहीं खाया। वह बोले राम का जीव मुझे चकमा देकर जाने कहा गायब होगा। 5 दिनों पर उससे मैंने उसको पकड़ा और इस लोक के लिए रवाना हुआ। जैसे ही नगर के बाहर पहुंचा एक तेज हवा का झोंका और वह जी जाने कहा गायब हो गया। 5 दिनों से ढूंढ संपूर्ण ब्रह्माचार मेरा पर वह नहीं मिला। मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली आदमी ने चकमा दे दिया। मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी महाराज। महाराज आजकल पृथ्वी पर यह व्यापार बहुत चल रहा है। लोग अपने दोस्तों को फल बेचते हैं और रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। सामान मंगाते हैं वॉशिंग मशीन, निकलती है सिलाई मशीन। लगता है तुम भी बूढ़े हो गए हो। नारायण नारायण क्या हुआ धर्मराज, इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? क्या स्वर्ग में अभी भी आवास की समस्या खत्म नहीं हुई? महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब क्या नई समस्या आन पड़ी? अब क्या बताऊँ आपको, भोलाराम नाम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्याग गई थी। यमदूत उसे लेकर स्वर्ग के लिए रवाना भी हुआ, परंतु वह जीव चकमा देकर जाने का गायब हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड छान मारा और वह नहीं मिला। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के रामपुर मोहल्ले के एक नाली के किनारे एक कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उम्र लगभग 7 वर्ष, सरकारी नौकरी थी। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। नारायण नारायण आगे जाइए महाराज, मुझे दीक्षा नहीं चाहिए, भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम को क्या बीमारी थी माता? क्या बताऊँ महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल पहले रिटायर हुए थे पर पेंशन मंजूर नहीं हुई। हर महीने पेंशन की दरख्वास्त देते थे पर सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट निकले। इन 5 सालों पहले मेरे कहने भी किए, फिर बर्तन भी किए, फिर मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चिंता में घूमते घूमते चले गए। कोई नहीं माता, उनकी इतनी ही उम्र लिखी थी। ऐसा ना कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत ही, आप कुछ कर सकते हो तो हमारी पेंशन की अर्जी स्वीकार करवा दो। साधु की बात कौन मानता है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। भोलाराम के पेंशन की अर्जी क्यों मंजूर नहीं थी, क्या समस्या है? भोलाराम इज सेंडिंग एप्लीकेशंस बट देयर वाज नो वे, दैट वाज डाइविंग फ्लाइंग। Or you can go meet the officer sitting in the next room. You are a saint. You don't know the customs of office. Bolaram's request is flying. It needs wait on there on application just like this beautiful winner you have. A girl learns to sing. It will be useful for her. मेरी वीणा भी छीन ली। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, पर सारे जग में कहीं नहीं देखा ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार। मुझे पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मेरे को नहीं आना, मैं दरख्वास्तों में अटका हूँ। मैं दरख्वास्तों को छोड़ कर नहीं आ सकता। काली।